मीरा भाईंदर खुशनसीब है कि मीरा भाईंदर वसई विरार को सदानंद दाते जैसे आयुक्त मिले हैं और उनके नेतृत्व में काम करने वाले ऐसे डीसीपी और ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं। ये यहाँ के नयानगर के सीनियर हैं बानकोटी जी, सर जो है बिलास सनब जी हैं, एसीपी हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा कोऑर्डिनेशन होता है पुलिस का। और यकीन जानो दोस्तों, अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं करे, पुलिस अगर काम ना करे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर के डीसीपी अमित काले जी के साथ। डायरेक्ट इन्होंने कई ऐसे रेड डाले हैं, मैं आपको बता दूं कि गुटखा माफिया की कमर तोड़ के रख दिया है इन्होंने। ड्रग्स चर्सियों का जो अड्डा बना हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है इन्होंने। चैन स्नेचिंग हो या कोई भी हो, अगर क्राइम रेट में देखा जाए तो जब से डीसीपी अमित काले ने कारभार संभाला है, आयुक्त सदानंद दाते जी के मार्गदर्शन में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सर, इस हद तक सुना है कि आपको कोई भी खबर मिलती है आप उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि 1 अक्टूबर 2020 से जब से आयुक्तालय बना है, हमारे माननीय आयुक्त श्री दाते सर, हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री जय कुमार सर, इनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की और तीनों जोन के डीसीपी सब लोग काम कर रहे हैं। हमने हमेशा से जब मीरा भाईंदर का आयुक्तालय बना है उसके बाद कुछ चीज़ों को टारगेट किया था। टारगेट में सबसे पहले था यहाँ का ड्रग्स, सेकंड था डांस बार और थर्ड था गुटखा, और उसी के साथ चलते हुआ जो कुछ प्रोस्टिट्यूशंस और जो इल्लीगल पिटा के जो भी केसेस चलते हैं इसके तहत हमने शिकंजा कसने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि अक्टूबर से हमने ड्रग्स के ऊपर कड़ी कार्रवाई शुरू की। दिसंबर महीने में जो नाइजीरियंस लोग हैं बड़े पैमाने में यहाँ पे इल्लीगली रहते थे, उन लोगों की जो मकान थे जहाँ पे ये लोग इल्लीगल तरीके से रहते, तो मकान भी इल्लीगल थे। हमारे एसीपी मीरा रोड श्री सानप साहब, इन्होंने इसमें फॉलोअप लिया, फॉलोअप लेके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कोऑर्डिनेशन किया, दोनों बिल्डिंग्स को हमने इल्लीगल डिक्लेयर किया और उसको हमने तोड़ने की कार्रवाई जो करी। वो तोड़ने की वजह से उनके जो हाइडआउट्स थे या रहने के ठिकान थे टूट गए और वो लोग वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। जो लोग बचे थे इल्लीगली उसको पकड़ के पुलिस ने कार्रवाई की, ऑफेंस रजिस्टर किया, उनको अरेस्ट किया, उनको लॉकअप में डाला। डांस बार जो थे सबको हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि परमिशन के जो परमिसेबल टाइम है 9:30 बजे का, उसके बाद 9:35 तक भी एक भी डांस बार शुरू नहीं रहेगा। जिन्होंने छुपके छुपके काम करने की कोशिश की, वहाँ पे मेरी खुद की टीम, मेरे पुलिस स्टेशन की टीम, हमारे एसीपी, ये लोग जाते थे। पब्लिक ने भी इसमें हमने को काफ़ी मदद की, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हमने रेड किया, कुछ डांस बार्स को हमने तोड़ के वहाँ पे सीधा रास्ता बना दिया। इसमें हम पुलिस डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत ज़्यादा मदद की है। जब भी हम उनसे हेल्प मांगते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहती है। उसके अलावा उत्तन में भी जो होटल्स इल्लीगली चलते हैं, हुक्का सर्व करते हैं, उसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल्स को सील करना, जो एक बार एक्शन लेने के बाद भी बार बार इस तरीके का ब्रिज करते हैं, लॉ का ब्रिज करते हैं, उसको हम सील करने का भी हमने काम शुरू कर दिया है। गुटखे का भी काफ़ी यहाँ पे मात्रा थी, बाहर से गुटखा आता था और यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होता था कुछ यहाँ पे सेलिंग के लिए। उसके ऊपर हमने जहाँ पे स्टोरेज है, जो हमेशा से गुटखा में लोग एंगेज है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई की। बड़े पैमाने पर गुटखा जो है हमने यहाँ से हस्तगत किया। जोन की पूरी टीम, क्राइम ब्रांच पूरी टीम जो है पुलिस की, मीरा भाईंदर को एक सुरक्षित शहर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एनडीपीएस के मामलों में जो लड़के नुक्कड़ पे बैठ के, चौराहे पे बैठ के, यहाँ पे कहीं छुप के पाइपलाइन पे नशा करते हैं, उन लड़कों के लिए कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे कुछ दिक्कतें थी। यहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप का सेटअप नहीं था, इसलिए कार्रवाई करने में दिक्कत जा रही थी। हमने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक मेडिकल का टीम जो है वो मीरा भाईंदर में हमको अवेलेबल करके दिया। हमारी पुलिस की टीम्स रात को दिन में 24 आवर पेट्रोलिंग करते हुए ऐसे लड़कों को ढूंढती है, जिनको मिलता है उनका इमीडिएट चेकअप होता है, एनडीपीएस के तहत ऑफेंस रजिस्टर होता है और कोर्ट में उनको दूसरे दिन हाजिर करके उनका ऊपर कन्विक्शन होता है। और उनका सेम टाइम हमने रिहैबिलिटेशन का भी प्रोग्राम जो है वो नया नगर पुलिस स्टेशन में भी हमने शुरू किया है। सो मेरी नागरिकों से सभी यही गुजारिश है कि उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है शहर को सुरक्षित बनाने के लिए वो तुरंत पुलिस को दे। पुलिस 24 आवर यहाँ पे उनकी सेवा में तैयार है और पुलिस पे भरोसा रखे। दोस्तों, ये जो जितनी भी बातें जो है डीसीपी अमित काले जी ने कही, वो कहीं ना कहीं इस शहर में आपको देखने को मिला होगा कि गुटखा माफिया, जो गुटखा बहुत आए दिन गुटखा माफिया में से किसी न किसी को पकड़ करके अंदर डालते हैं, ड्रग्स एडिक्ट जो नुक्कड़ पे बैठे रहते थे, आजकल उसमें कमी आई है। तो
कहीं ना कहीं डांस बार का जहाँ तक सवाल है, ये भी सही है कि जो डांस बार ने रिपीट ऑफेंड किया है उस एक दो डांस बार को तो पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया गया, वहाँ पे रास्ता बना दिया गया है। इसमें MBMC ने भी इनको मदद की है, लेकिन मैं मिला जुला के ये कहूँगा कि मीरा भाईंदर खुशनसीब है कि मीरा भाईंदर वसई विरार को सदानंद दाते जैसे आयुक्त मिले हैं।